बीते दिन विखे जलंधर दे विच इंसानियत नूं शर्मशार करन वाली घटना वापरी है, जिथे कि 19 साल की बच्ची नाल रेप करके उन्हूं मार दिता गया। सूत्रां दे मुताबिक दुर्घटना स्थल ते बच्ची नूं बहुत बुरी तरह लहू लुहान पाया गया है। गुड मॉर्निंग सर। जिदे नाल उस बलात्कारी की हैवानियत साफ साफ देखी जा सकती। रामलाल कुछ दस्या ने? नहीं जनाब, कुछ कसर बाकी है। थोड़ी खातिरदारी की तो सब बखूगा। भैन चोद श्यामलाल सर, फिर देरी किस गल दी? कर शुरू। उठ सारा, सारियां दी नींद हराम करके हुण सुत्ता पे। जनाब 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 जनाब। जिले विच आए नवे पुलिस इंस्पैक्टर मैडम रंजीत कौर नूं इस केस की सख्ताई नाल जांच ते बलात्कारी नूं जल्द तो जल्द फड़न दा हुक्म जारी किया गया। इनू उठा के ना इहदियां अखां खुलवाओ। गल मीडिया तक पहुंच चुकी है। MLA सर दा बार बार फोन आ रहा मैनू। अज किसी भी तरह इस तो इनक्वायरी कराओ, नहीं तो पब्लिक सड़कां ते उतर आएगी। जी मैडम। ओए, चल नाम दा सपना। वो नाम जान के की करोगे साहब? काम देखो काम। जनाब 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 जनाब, मैं सब दसदा मैं सब दसदा मैं सब दसदा मैं सब दसदा मैं दसदा। रमेश उम्र ते पता? 24 साल ते पता। छोटी बस्ती गली नंबर 5। चल पुत दस, तू ए सब कीता क्यों? मैं चालिया सुदो बोल मैं की नहीं है। मारना बंद करोगे ता ही दसूंगा ना। रुक जा श्यामलाल। रमेश तेनू कोई नहीं मारेगा, सब कुछ सच सच दस। कित्थों सुनना चाहते हो मैडम? जदों पहली बार साली नू बावा च लिया सी जा फिर ओदे कपड़े उतारे सी उदो चलो मैं शुरू तो ही दसदा। तुहाडा भी इंटरस्ट बनिया रहू। उन्हां दे जिस्म दी खुशबू मैनू दीवाना जिहा कर जांदियां ने। भैन चोदा तैनू दिस नहीं रहा नाल मैडम बैठे ने? तू इन्हें बकवास तरीके नाल गल कर रहा। कोई गल नहीं पलविंदर, पिछे आ जाओ। मैं जानना चाहनी है एक गंदे नाले दे कीड़े किस हद तक गंदगी फैला सकते हैं। हाँ ते तुसी लोग अपनी हवस च किन्ना घनौना कम कर जाते हो, जिन्ना नाल उन्हां दी रूह तक कंब जाती है। ना ना मैडम जी ना, गलत गल। छोटे दे टैट कपड़े देख के रूह तां साडी कम जांदी है। जदों छोटे छोटे टॉप ते
ते गोड्या तो नंगियां लत्तां देखते हो ना तां सालियां अग ला दिंदियां ने जमा ही अग। उन्हां दे जिस्म दा कला कला हिस्सा ते जे टो पतला होवे तो अंदर तक देख के लगता है जिवें मैनू ही बोल रही हूं कि आ जा आपकी प्यास बुझा जा। फिर दसो मैडम जी केड़ा ना मर्द हो जो आपकी प्यास ना बुझाओ। पर तुसी नहीं समझोगे क्योंकि तो हाडे चो अग है ही नहीं। भैन चो मैनू तो यह समझ नहीं आती तुसी यह सब कुछ सोच किदा लैंदे हो। ओ जनाब ऐदा ना कि अज दे टाइम च रोटी कपड़े नालों सस्ता इंटरनेट है तुसी नहीं समझोगे। ताड़े कोल तां टाइम ही नहीं है नेट नोट लई। एक अजिही चीज है जिथे नंगापन रज के देखने को मिलता है। लोग मशहूर होने लिए कुछ भी कर देंगे ने कोई अपने कपड़े ला रहा है ते कोई कपड़े लवा रहा है जिन्हें जिन्हें छोटे कपड़े उन्ने ही ज्यादा लैक ते साडे वर्गियां लई उन्ने ज्यादा मजे। भैन चोद कुड़ी कपड़े छोटे पावे तो तोड़ा मन मचल रहा है ताओ 6 साल दिया बच्चियां दा की है तुसी ता उन्हां नूं भी नहीं छड़िया पर ओ जड़िया बुरके च घूम रही कुड़िया है उन्हां दा की कसूर सी उहदे च तुहानूं की नंगापन दिखाई दिंदा है। सालिया जे तेरी भैन ना होया हुंदा इदां ये हुई ना गल साला मैं कितनी देर दा यही सोच रहा सी कि तुसी ये गल कदों बोलोगे पर गल ऐ तां जनाब ये भैन भूण दा प्राणी मेरी जिंदगी जी है नहीं उपर वाले नूं पता सी कि मैं हरामी एक ना एक दिन रेप करके सेलिब्रिटी की तरह मरूंगा एक दिन टीवी ते आऊंगा लोग मैनू टीवी ते देखूंगे। हुण ज्यादा ना इधर उधर दियां गल्लां ना कर सीधा सीधा दस मैनू कि की होया सी जो तू उस दिन उस कुड़ी नाले सब कुछ कीता। कुछ दिन पहला मैं ते मेरे दोस्त कुड़ियां ताड़ रहे सी
उदो मेरी नजर उस कुड़ी वाल पई। क्या तबाही लग रही सी। ओ पिंक टॉप ते टैट जी जीर मानता कर रहा सी। उदो ही जाके नोच लवा पर उदी मां नाल सी। फिर कुछ देर बाद मैनू फिर उही कुड़ी दिखी। पर इस वारी उसदे नाल उसदा यार सी जिनू वो जफियां पा रही सी। मैं भी सोचा मौका वधिया ते बस मैं उहदे कोल गया। बहुत लोग खड़े सी पर मैं तो वरदा ना। मैनू कहदा डर सी। मैं भी चला गया उहदे कोल। पर बहुत घमंड सी साली च। मैं बड़े प्यार ना क्या देख सेक्सी करना चाहना पर साली ने मारिया सारे सामने थप्पड़ ते इदा किदा छड़ दिता मैं उन्हूं। मर्द जो हैगा मेरी मर्दानगी ते मैं वो थप्पड़ किवें बर्दाश्त कर लैंदा। दस अगे की होया। फिर दसो किने बोलिया सी इन्हे छोटे छोटे कपड़े पाके बाहर बाजारा च घूमन नू हाट दिखन नू ते जे हुण बंब दिखूगी ता मेरे अंदरला जानवर ता जागूगा ही ना। मैं उसका पीछा करदा उदे घर तक पहुंच गया ते देखा वो कल्ली ही सी। ते यही मौका वधिया सी अपने अंदरली अग नू बजाउण दा। मैं एकदम पिछे गया ते गेट खोल लिया। ते लै लिया अपनिया बाहां च। बहुत चीक रही सी चिल्ला रही सी। फिर अगे नोच नोच के खादा मैं उन्हूं। बड़ा मजा आया बड़ा स्वाद आया। मैनू नेड़े बुला के ते थुकता मेरे ते। ते फिर की सी मैं चाकू कढ़िया ते मारता दे ते खेल खत्म। हुण मेरी की गलती। जे मेरे अंदरला जानवर जगाऊगी ते शांत भी तो उही करूगी ना। तेनू जरा भी तरस नहीं आया उते। उनू नहीं आया जद उन्हें मेरे थप्पड़ मारिया। आपदे नाल नाल ना तू उस कुड़ी दी जिंदगी भी खराब करती। तो हाड़ी ऐसे सोच करके ना कुड़िया अज भी बाहर निकल तो डरतिया ने। की है ना मैडम जी हो गई गलती। जिसम दी भुख च हो गया रेप। फिर एदे च इन्ना तमाशा क्यों। भैन चोद
एक कुड़ी दी जिंदगी खत्म करती तू हूं तू कह रहे हैं तमाशा क्यों है? सही है तमाशा क्यों? कुछ दिन लोग व्हाट्सएप फेसबुक च जस्टिस फॉर प्रिया दी डीपी लाउंगे और एक हफ्ता कैंडल मार्च करेंगे। मीडिया वाले दिन रात पुलिस की नाकामयाबी ते रेप केस ते डिबेट करके खूब टीआरपी कटी करनगे ते फिर की सब कुछ टाइम बाद सब भूल जानगे ते घरे बैठ जानगे और 10 दिन बाद फिर खोर रेप ते इस बार इन्हां दी हवस दा शिकार शायद कोई बच्ची बने। हाँ फिर वही ड्रामा शुरू। We want justice. सानु इंसाफ दो। ओही कैंडल मार्च। ओही फदू लोग। ओही फदू गल्ला। हाँ, तेरे वर्गे गंदी नाली दे गंदे कीड़िया नू पुलिस प्रोटेक्शन और 10-12 साल लंबा केस और उत्तों दी सरकारी वकील खुद नू बचाउन ले। मैडम जी एक गल दसा तुहाडियां गल्लां सुन के बहुत तरस आ रहा है तुसी चाह के भी मेरा कुछ नहीं कर सकते बस यही औकात है तुहाडी तुसी साले हो पुलिस साले यहां ता मंत्रियां दी गल्लां सुन के उनां दे तलवे चढ़ सकते हो या फिर साडे वर्गियां नूं ना मारन दा रोणा बस यही गल्लां ने तुहाडे पल्ले